उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही तैयारियां शुरू हो गई हैं। 11 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसको लेकर जिला प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पर नजर रखी जाएगी और कहीं भी कोई दुर्घटना ना हो इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। झांसी नगर निगम के लिए वोटिंग ईवीएम से होगी तो वहीं बाकी निकायों के लिए बैलेट पेपर से वोट देना होगा। और तमाम व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया डीएम रविंद्र कुमार। चुनाव संबंधी सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पूरे 13 नगर निकाय को 20 जोन और 52 सेक्टर में विभाजित किया गया है, जिसके लिए सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती कर ली गई है। अन्य जो मतदान संबंधी कर्मी हैं, आरओ एआरओ जो हमारे मतदान कार्मिक हैं, उसके संबंधी भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था का असेसमेंट कर लिया गया है। पूरे 13 नगर निकाय में 18 संवेदनशील मतदान केंद्र, 19 अति संवेदनशील और 8 अति संवेदनशील प्लस मतदान केंद्र अभी तक चिन्हित किए गए हैं। बाद में नॉमिनेशन और फाइनल जो उम्मीदवार होंगे उनके आधार पर ये चेंज हो सकता है। तो जिला प्रशासन द्वारा लगभग तैयारियां माननीय राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कर ली गई हैं। जो आगे की प्रक्रियाएं हैं नियमानुसार की जाएगी। मैं आपके माध्यम से समस्त पॉलिटिकल पार्टी से ये अपील करूंगा कि माननीय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए चुनाव प्रक्रिया में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। देखिए, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत हम समस्त वैसे चीज को मॉनिटर करेंगे। निर्वाचन आयोग ने इस बार जो मैक्सिमम लिमिट है एक्सपेंडिचर का कैंडिडेट बार, उसकी भी लिमिट दी है। यहाँ पे झांसी नगर निगम के मेयर पद के लिए 35 लाख है और अन्य पद के लिए अलग अलग हैं। 35 लाख से लेके जो हमारे नगर पंचायत हैं उसके सदस्य के लिए 50,000 तक का लिमिट है। उस लिमिट के अनुसार जो भी एक्सपेंडिचर माननीय आयोग के निर्देशानुसार जहाँ जहाँ बुक करना है, हम सबको सुनिश्चित करवाएंगे। उसके लिए एमसीएमसी टीम का गठन, एमसीसी टीम का गठन, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम का गठन किया जा चुका है। हम राज्य निर्वाचन आयोग, माननीय राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन के दायरे में स्वच्छ, सुरक्षित और निष्पक्ष मतदान करें।